गाइस नमस्ते, ब्यूटी विद मोनिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेमेडी बहुत ही बेहतरीन है, जिसे 15 साल की लड़कियां लड़के कोई भी यूज कर लेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसको। 15 साल के बाद आप कोई भी इसे यूज करें, इतनी अच्छी है। और मैंने जस्ट अभी करी है, आप मेरे चेहरे पर निखार देख सकते हैं, कितनी ज्यादा शाइन आ रखी है चेहरे पर, बहुत ही ज्यादा चेहरा चमक चुका है। और स्पेशल गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, आपके चेहरे पर अगर किसी भी तरह के दाने हैं, स्पॉट्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत मैंने देखा है बहुत लोगों के बहुत नन्हे नन्हे दाने निकल आते हैं। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको साउंड से पता लग रही होगी, मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मेरा काम है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की रेमेडी उसी चीज के लिए, अगर आपके चेहरे पर भी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्पॉट्स हो गए हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, जगह जगह काले काले धब्बे पड़ गए हैं, आपके चेहरे में बिल्कुल भी चमक न रही है, बिल्कुल डल हो चुका है, तो आज की रेमेडी बिल्कुल आप ही के लिए है। और आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बिना टाइम वेस्ट करें आप मेरी रेमेडी को देखें और उसको यूज करें। और हफ्ते में 3 बार आपको यूज करनी है, और आप देखेंगे आपका चेहरा जैसे मेरा चेहरा खिल रहा है ना, वैसे आपका खिल जाएगा, 100% श्योर कहती हूँ आपसे मैं। तो और जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ बिल्कुल नेचुरल बताती हूँ, बिल्कुल आपके घर में ही सारी चीजें मिल जाएंगी। बल एक आध चीज होगी जो नहीं मिलती होगी तो मैं उसका दूसरा सॉल्यूशन बता दूंगी आपको कि आपको क्या लेना है, बाकी तो आपकी सारी चीजें आपके घर में मिल जाएंगी और हर घर में मिल जाएगी बिल्कुल। तो चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियो देखने आ जाएं और मुझे बहुत सारा प्यार दें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी को बिना देरी करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 1 चम्मच दही। तो आपकी दही किचन में मिल ही जाएगा दही भी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ जिसमें आपको अगड़म झगड़म ना करना पड़े। तो 1 चम्मच दही डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। तो हाँ, आज आपको मुल्तानी मिट्टी पाउडर डालना है, और डालना है इसमें रोज़ पाउडर। तो ये मेरे पास सूखा रोज़ पाउडर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और आधा डाल देंगे इसमें टमाटर का जूस बस। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, और ये बन गया आपका एक बेहतरीन फेस मास्क कह सकते हैं आप, फेस पैक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फेस मसाज क्रीम कह सकते हैं। इतनी अच्छी है गर्मियों के लिए, बहुत ज़्यादा आपके डार्क सर्कल हो चुके हैं, दाने हो चुके हैं, झाइयाँ हैं चेहरे पर, झाइयाँ झुइयाँ सब ख़त्म कर देगा। और गर्मियों के लिए तो एकदम बेहतरीन है, बस इसको मिक्स कर लेना है और आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। तो चलिए बताती हूँ आपको लगाना कैसे है इसको। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम हो गया है मुझको, और इतना अमेजिंग है ये पैक, इसको 15 साल तक के बच्चे 15 साल से लेकर और फिर इसे कोई भी लगा सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और गर्मी आ गई है, कैसे भी चेहरे पर दाग धब्बे हों, दाने हो जाते हैं बहुत लोगों को छोटे छोटे, तो आप इस पैक को लगाइए और आप रिजल्ट देखना, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को कर लेंगे क्लीन हमेशा की तरह। तो रोज़ वाटर में, थोड़ा सा रोज़ वाटर में कॉटन भिगो के हम इसको अपने चेहरे को कर लेंगे क्लीन, अच्छे से क्लीन करें। और इतना अच्छा पैक है, आप इसे रोज भी लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसे लगा सकता है, बहुत ही अच्छा है। तो मेरा चेहरा हो गया है क्लीन, बस अब मैं इसको लगाऊंगी अपने हाथों की हेल्प से। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने हाथों से ज़्यादा अच्छा लगता है, कम्फर्ट लगता है मुझको। बस इसको आपको लगा लेना है, और इसे आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा स्क्रब है, फेस मास्क है, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारा काम करेगा ये आपकी स्किन पर। तो इसको लगाकर आपको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और 15 मिनट बाद मैं बताऊंगी आपको करना क्या है, इसको डायरेक्ट इसी तरह से वॉश नहीं करना है, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले इसको मैं, ये पूरी तरह ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा दही डाला है ना, तो ड्राई नहीं होगा, हल्का सॉफ्ट रहेगा। और अपने नेक एरिया पे भी इसको आराम से लगाएं, और इसे देखिए मैं अपने हाथों पे भी लगा दूंगी, बहुत अच्छा है, आप अपने हाथों की भी मसाज कर सकते हैं इससे, हाथ हुए, कोहनियाँ हुई, अगर आपकी कोहनियाँ काली हैं तो कोहनियों पे भी इसको इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको लगा लेना है,
अच्छे से आपको मसाज कर लेनी है। तो देखिए 15 मिनट हो जाने दे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, पहले मैं आपको हटा के दिखाती हूँ उसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं। ये देख सकते हैं चेहरे पे शाइन कितनी अच्छी आ रही है। लेकिन हमें इसको इस तरह से नहीं हटाना है, इसको लगा लूँगी मैं, हल्का ड्राई हो गया है। और आपको लेना है इस तरह से आधा टमाटर, बस इसको अब इससे हम हटाएंगे और इसी से हम 2-3 मिनट अपने चेहरे पर मसाज करेंगे इस पैक की, और आप देखेंगे उसके बाद रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा इसका। बस इसको इस तरह से स्क्रब करते हुए, मसाज करते हुए आपको हटाना है। देखिए अपने नेक एरिया में भी बहुत ही अच्छा फेस पैक है, मैं आपको कहूंगी, बार बार बोल रही हूँ, आप जरूर ट्राई करें। गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। और जितनी भी सारी चीजें मैंने डाली हैं वो आपके घर पर मिल जाएंगी, बस आपको लगता है कि रोज पेटल का पाउडर नहीं है, तो आप उसकी जगह रोज मतलब गुलाब जल भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोज पेटल है आपके घर में, फूल आते होंगे भगवान जी के लिए, तो आप उन फूलों को जो भगवान जी को अर्पण कर देते हैं उसके बाद आप फेंक देते हो, उन फूलों को तो आप फेंके नहीं, उनको छाए में आप सुखा लें, मतलब उनको धूप में नहीं रखना है, 1-2 दिन इसी तरह से रख रहने प्लेट में और वो सूख जाएंगे, फिर आप उसका पाउडर बना लें। बहुत आसान है, सिंपल और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। गर्मियों में तो आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए रोज पेटल। बस अब देखिए हो गई अच्छे से मसाज, अब मैं अपना चेहरा धो के आती हूँ हल्के गुनगुने पानी से, और आप भी गुनगुने पानी से धो लेना। और देखिए मैंने हाथ पैरों पे सब पे लगा लिया था, इसको वॉश करके आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चेहरा मैं धोकर आ चुकी हूँ अपना, बस अब देख सकते हैं चमक चेहरे की आप, बहुत ही अच्छा है। आप इसको हफ्ते में 3 बार यूज करें, आपके चेहरे पर अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। गर्मियों में ना ही कोई दाना होगा चेहरे पर, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा, और फुल बॉडी है, आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं और हाथ देख सकते हैं कितने क्लीन हो गए। ये देखिए वाह, चेहरा एकदम चमक गया। बस उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाते हैं वो आपको लगा लेनी है। और देखिए मैं अपनी बनाई हुई क्रीम लगा रही हूँ, बहुत ही अच्छी है, आप मेरे चेहरे पर निखार भी देख सकते हैं। मैं रोज रात को इसको लगाती हूँ, और ये वाली इसकी रेमेडी मैंने डाल रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पर। अगर क्या गया, अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को चेकआउट करिए, उसमें आपको इसकी रेमेडी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, आप इसको लगा बनाकर रख लीजिए और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस इसको लगाकर हम छोड़ देंगे, अब हमारी स्किन हो गई बिल्कुल तैयार। ये देखिए तो आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके साथ इसी तरह से रेमेडी शेयर करती रहूं। तो फिर मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।